लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यानी कि मंगलवार 7 मई को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 65% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। चुनाव आयोग की ओर से देर रात 12:15 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक असम में सबसे ज्यादा यानी कि 81.71% मतदान हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75.20% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम यानी कि 57.34%, बिहार में 58.18%, गुजरात में 59.51% और महाराष्ट्र में थोड़ा सा बेहतर यानी कि 61.44% मतदान दर्ज किया गया है। कुल मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वो 64.58% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार ये आंकड़े एक अनुमानित रुझान है और जैसे जैसे डेटा एकत्र किया जा रहा है मतदान प्रतिशत थोड़ा और बदलने की या फिर बढ़ने की संभावना है। मतदान समाप्त होने का आधिकारिक समय 6:00 PM है, लेकिन निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी जो मतदाता पोलिंग बूथों पर कतार में लगे रहते हैं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समय को आगे बढ़ाया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में 71.06%, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 69.87%, कर्नाटक में 70.41% और मध्य प्रदेश में 67.05% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं तीसरे चरण में 8.39 करोड़ महिलाओं सहित 17.24 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र थे और 18,50,000 कर्मचारियों द्वारा संचालित 1,85,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। तीसरा चरण समाप्त होने के साथ ही 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और 543 में से 282 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पहले और दूसरे चरण में कुल वोटर टर्नआउट क्रमशः 67.14% और 67.71% रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अपने मताधिकार का भी स्पीच प्रयोग किया है जहां 25 सीटों पर चुनाव हुए हैं। तो ये थी अभी की खबर। ऐसी तमाम चुनाव से जुड़ी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।